तो जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती का जहाँ पे वेट कर रहे थे, सबसे पहले उन सभी के लिए जहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। इंडियन आर्मी की तरफ से जहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहाँ पे रिलीज हो चुकी है, जिसमें जहाँ पे फॉर्म की अप्लाई डेट भी जहाँ पे मेंशन करी हुई है। सबसे पहले मैं आप सभी को जहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आप भी जहाँ पे इंडियन आर्मी के अंदर जहाँ पे भर्ती का वेट कर रहे हो ना, तो आज की इस वीडियो के अंदर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ पे बताऊँगा कब से जहाँ पे फॉर्म लगेंगे, कैसे जहाँ पे फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, इसके अलावा जहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए जहाँ पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर आपको जहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस पे इंडियन आर्मी भर्ती का वेट कर रहे हो तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर से वॉच आउट कर लेना। आज की ये वीडियो आप सभी यूजर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो को जहाँ पे स्टार्टअप करते हैं। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जहाँ पे जॉबलेस लर्निंग यूट्यूब चैनल के पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इस चैनल को मस्ट मस्ट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी जहाँ पे न्यू जॉब अपडेट निकल के, चाहे फिर वो इंडियन आर्मी सा, एयरफोर्स है, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी जब भी जहाँ पे निकल के आती है ना, तो उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसको आप सबसे पहले जहाँ पे वॉच आउट कर सकते हो और सबसे पहले उसके लिए जहाँ पे फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जो आपका सबसे पहले फॉर्म के लिए अप्लाई करता है उनका फॉर्म जहाँ पे जल्दी फिल हो जाता है, उसके बाद में जहाँ पे साइट वगैरह बिजी हो जाती है तो काफी दिक्कत आती है। तो इसलिए हमारे चैनल को मस्ट मस्ट कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का जहाँ पे लिंक मिलेगा उसको भी जहाँ पे मस्ट मस्ट ज्वाइन कर लेना। मैं आपको जहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जितने भी फॉर्म निकल के आते हैं ना, उनकी जो फॉर्म की जहाँ पे सबसे पहले जो नोटिफिकेशन होती है उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, प्लस जो जहाँ पे फॉर्म का अप्लाई लिंक होता है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होता है, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो उसको भी जहाँ पे मस्ट मस्ट ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले आप जहाँ पे देख सकते हो इंडियन आर्मी की जो जहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है उसी को जहाँ पे ओपन करा हुआ, जहाँ पे आपको न्यू नोटिफिकेशन जहाँ पे देख सकते हो, वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो जहाँ पे निकल के आ चुकी है। और मैंने ऑलरेडी जहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप जहाँ पे पीडीएफ को जहाँ पे देख सकते हो। इंडियन आर्मी टॉप के ऊपर आपको जहाँ पे शो कर रहा होगा इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे टोटल जो जहाँ पे दिया हुआ कौन कौन सी पोस्ट जहाँ पे दी हुई है, सबसे पहले वो डिटेल्स जहाँ पे मेंशन करी हुई है, और जहाँ पे मेल फीमेल दोनों जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स इन्होंने जहाँ पे मेंशन करी हुई है। सबसे पहले इन्होंने जहाँ पे दिया हुआ ना, जो भी अनमैरिड कैंडिडेट है, मेल है या फिर फीमेल है, वो जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जहाँ पे दिया हुआ जो जहाँ पे विंडोज है वो भी जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप इसको जहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस भर्ती को जहाँ पे करवा रही है, तो इंडियन आर्मी इस भर्ती को जहाँ पे करवा रही है, और जहाँ पे पोस्ट नेम जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट नेम भी आपको जहाँ पे मेंशन करे होंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन सा पे अप्लाई कर सकते हो, तो सबसे पहले नेशनलिटी के जहाँ पे दिए हुए जो जहाँ पे कैंडिडेट है, जो यहाँ पे सिटीजन है इंडिया का, वो जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ जहाँ पे डिटेल्स मेंशन करी हुई, आप इसको जहाँ पे रीड आउट कर लेना। उसके बाद जहाँ पे एज लिमिट जहाँ पे दी हुई है, तो एज लिमिट भी आप जहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको जहाँ पे एसएससी टेक्निकल के लिए जहाँ पे अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए जो आपको जहाँ पे एज लिमिट जहाँ पे दी हुई ना, 20 से लेकर 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और जो आपकी एज है ना, यहाँ पे जो डेट मेंशन करी है 1 अक्टूबर 2024 के बीच में, जहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब जो जहाँ पे कैंडिडेट्स बॉर्न करे हुए बिटवीन 2 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 के बीच में जो जहाँ पे कैंडिडेट्स जहाँ पे बॉर्न हुए वो जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने जहाँ पे नोट के अंदर मेंशन करी है, जो आपको जहाँ पे एज की कैलकुलेशन होगी ना, वो जो आपको जहाँ पे सर्टिफिकेट होगा ना, जैसे जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे कैलकुलेशन होगी, और वही जहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। अब जहाँ पे बात करें अगर जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, आप कहीं से भी जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया में आपको जहाँ पे जॉब मिलेगी। सैलरी पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, 56,000 प्लस का आपको जहाँ पे सैलरी स्केल जहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आगे वीडियो के अंदर मैं आपको जहाँ पे बता दूंगा। अब जहाँ पे मोड ऑफ अप्लाई किया कि आप कैसे इन फॉर्म को जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो अपडेट ऑनलाइन ही जहाँ पे इनकी जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आपको जहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, ऑफलाइन फॉर्म जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। उसके बाद जहाँ पे वैकेंसीज भी जहाँ पे मेंशन करी हुई है, आप इनको भी जहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज आपको जहाँ पे दी हुई है, टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज आपको जहाँ पे शो कर रही होंगे, तो जहाँ से आप देख सकते हो टोटल वैकेंसीज आपको जहाँ पे मेंशन करा हुआ है। टोटल जो जहाँ पे वैकेंसी है जहाँ पे 350 जहाँ पे मेंशन करा हुआ है। उसके बाद जहाँ पे एक और वैकेंसी है उसका टोटल भी मैं आपको जहाँ पे बता देता हूँ कितना आपको जहाँ पे दिया होगा। तो जहाँ पे नीचे अगर आप आओगे ना, तो टोटल जहाँ पे 29 जहाँ पे। अब जहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी, आपको जहाँ पे कितनी फी पे करनी पड़ेगी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो कोई भी एप्लीकेशन फी वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट डेट्स है जो जहाँ पे 23 जनवरी 2024 से जहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो जहाँ पे लास्ट डेट है 21 फरवरी की, आपको जहाँ पे लास्ट डे देखने को मिलेगी। और जो जहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ना, अक्टूबर 2024 से आपकी जहाँ पे ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब जहाँ पे पोस्ट नेम मैं आपको जहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट नेम और उसमें क्या क्वालिफिकेशन आपको जहाँ पे चाहिए। सबसे पहले अगर एसएससी टेक्निकल के लिए आप जहाँ पे अप्लाई करते हो, मैन तो सिंपल सा, इसमें जो वैकेंसी है 350 वैकेंसी आपको जहाँ पे देखने को मिलेगी। जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो बीटेक चाहिए, किसी रिलेटेड फील्ड में आप जहाँ पे सिंपल सा बीटेक अगर आपने करी हुई आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से एसएससी टेक्निकल वुमेन के लिए 29 पोस्ट हैं, उसमें भी आपको बीटेक जहाँ पे मांगी हुई है।
इसी तरह से और भी कुछ वैकेंसी है जिसमें आप ग्रेजुएट के लिए, अगर आप ग्रेजुएट हो तो तब वीजा पे अप्लाई कर सकते हो, वो नॉन टेक्निकल के अंदर आ जाएगा, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी इसमें आप काफी ज्यादा बेनिफिट्स आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको इसके अंदर मिल जाएगा, इसके अलावा और भी आपको जहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हों, जैसे हॉस्टल वगैरह सब्सिडी आपको जहाँ पे मिल जाएगी, और भी काफी बेनिफिट जो इंडियन आर्मी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं वो सभी बेनिफिट आपको मिलेंगे, जिसमें जैसे इंश्योरेंस फंड आपको जहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई के ऊपर देखोगे तो जहाँ पे अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, आप कैसे जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले उन्होंने जहाँ पे वेबसाइट बताई हुई, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू ही आपको जहाँ पे अप्लाई करना है। अब इसका मैं आपको सिलेक्शन का थोड़ा सा प्रोसेसर जहाँ पे बता देता हूँ, आपकी जहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगी। सबसे पहले जो आपने जहाँ पे फॉर्म सबमिट करेंगे, जो भी क्वालिफिकेशन होगी आपने सबमिट करी होगी, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कैंडिडेट जहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे एक एसएसपी होगा, उसके बाद जैसे ही आपका जहाँ पे एसएसपी होगा उसके बाद आपको जहाँ पे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस तरह से आपको जहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस इसके अंदर जहाँ पे देखने को मिलेगा। और जहाँ पे जो जहाँ पे जितने भी पोस्ट की वैकेंसी जहाँ पे निकल के आ चुके हैं, जहाँ पे जेडी के लिए, जहाँ पे मतलब अगर आप बोलो कि जहाँ पे सोल्जर के लिए कोई भी पोस्ट नहीं, सारी जो जहाँ पे पोस्ट लेफ्टिनेंट रैंक की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ऑफिशियल रैंक की पोस्ट आपको जहाँ पे देखने को मिलेगी। अब एक और चीज़ मैंने आपको जहाँ से स्टार्टिंग में जहाँ पे बताई थी कि जो जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे ना 23 जनवरी 2024 से आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और जो जहाँ पे क्लोज होंगे 21 फरवरी से पहले पहले आपको जहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको इंडियन आर्मी के अंदर जहाँ पे जॉब चाहिए तो सिंपल सा इस डेट से पहले पहले आपको जहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है। आप यही ट्राई करना जितनी जल्दी आप जहाँ पे फॉर्म फिल कर लो उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि होता है कि बाद में जहाँ पे साइट बिजी हो जाती है और फिर काफ़ी स्टूडेंट्स का जहाँ पे फॉर्म जहाँ पे रह जाता है, क्योंकि साइट बिजी होने की वजह से वो जहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फुल नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको टोटल जहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह जहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन जहाँ पे मांगी हुई तो वो आप जहाँ पे दे सकते हो। पूरी क्वालिफिकेशन अगर आपने इसमें से कोई भी डिग्री करी होगी तो आप डायरेक्ट जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप जहाँ पे रीड आउट करना चाहते हो तो इंडियन आर्मी की वेबसाइट के थ्रू भी आप नोटिफिकेशन को जहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे जहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको जहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से भी आपको सिंपल से जहाँ पे नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हो, और वहीं पे आपको जहाँ पे इंडियन आर्मी वेबसाइट का जो जहाँ पे ऑफिशियल लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, दोनों के लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएंगे। और अगर आप जहाँ पे फर्स्ट टाइम चैनल का विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को मस्ट मैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहाँ पे एकदम जेन्युइन जॉब अपडेट आपको डेली बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।